Hello everyone, welcome to my channel, and today this video is going to be an unboxing video. So friends, I have ordered my history books. They have come and I am opening these books. ये मैंने तीनों हिस्ट्री की जो बुक्स हैं वो मंगवाई हैं अपनी फ्लिपकार्ट से. मैंने इनको ऑर्डर किया था और लगभग 15 दिन पहले मैंने इनको ऑर्डर किया था. तो कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए डिलीवरी थोड़ा लेट हो जा रही है अब ऑनलाइन ऑर्डर करने में, इसीलिए मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था. और ये देखिए, मेरे हस्बैंड इनको ओपन कर रहे हैं और इन्होंने मुझे इन्हें टच भी नहीं करने दिया. सी, नई बुक्स आती हैं, कितना एक्साइटमेंट होता है उनको ओपन करके देखने का. लेकिन पूरे 2 दिन मैंने इनको टच नहीं किया है और उसके बाद हमने इनको सैनिटाइज़ किया और 2 दिन करके रखा. उसके बाद मैंने इनको टच किया है. आगे मैं आपको शो करूँगी इनके अंदर कैसा कंटेंट है, किस तरह के पेजेस हैं, क्या क्या इनमें अंदर आया हुआ है. इन्होंने मुझे टच नहीं करने दिया, बोला कि मैंने ऑर्डर लिया है तो मैं इनको ओपन करके अब तुम्हें दिखा दे रहा हूँ और रख देता हूँ, उसके बाद 2 दिन बाद इनको टच करना. और सही भी है, कोरोना का टाइम चल रहा है तो हमें इतना एहतियात तो बरतना ही चाहिए फ्रेंड्स. सो दीज आर माई 3 बुक्स एंड आई एम सो मच एक्साइटेड एंड सो मच हैप्पी, बिकॉज अब मैं अपनी हिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है वो और भी अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री ही है. सो आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री इन डिटेल्स. सी, ये बुक है मेडिवियल हिस्ट्री और ये RS शर्मा की एंशियंट हिस्ट्री. यस, ये दोनों बुक हैं. और तीसरी बुक है आधुनिक भारत का इतिहास बाय बिपिन चंद्र. और आधुनिक भारत का इतिहास मेरे पास स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन ये जो मैंने ऑर्डर की है ये तीनों बुक एक साथ ही मिल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बिपिन चंद्र भी मंगा लेते हैं और दोनों में कंपैरिजन भी हो जाएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा तो वो भी पढ़ा जाएगा. और फ्रेंड्स, इनका जो मटेरियल है वो मुझे अच्छा लगा, प्रिंटिंग भी अच्छी है, पेपर क्वालिटी भी अच्छी है. और हमें क्या चाहिए, हमें मैटर से मतलब होना चाहिए, जैसा कि मतलब कैसा मैटर है क्या है, क्योंकि अभी शॉप्स पे भी नहीं जाया जा रहा है, कैसे हम लाएंगे बुक्स, और मतलब वो सब अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था. तो मैंने अपनी जो बुक है वो ऑनलाइन ऑर्डर की है. और स्पेक्ट्रम की बुक भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी. और पॉलिटी की जो बुक है मेरे पास एम लक्ष्मीकांत की, वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी. और कुछ NCERTs भी मैं ऑनलाइन ही मंगा चुकी हूँ. सो ऑनलाइन मंगाना फ़ायदेमंद रहता है और उनका प्रिंटिंग भी और पेपर भी सब अच्छा ही निकला है अभी तक. तो टचवुड, ऐसा कोई मतलब बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ बुक्स के मामले में नहीं हुआ है. तो देखिए फ्रेंड्स, ये कंटेंट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री का, और बहुत अच्छी बुक है. बाकी जब मैं इनको पढ़ूँगी, इनके अंदर जो मैटर है उसके बारे में ज़रूर रिव्यू करूँगी कि बुक्स कैसी है और मंगानी चाहिए या नहीं मंगानी चाहिए. जो लोग ये सोच रहे हैं कि मंगाएं या ना मंगाएं, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि ये बुक कितनी हेल्पफुल है और कितनी नहीं. क्योंकि अभी तो ये केवल मैंने मंगाई है, सिर्फ थोड़ी सी ऐसे देखी है. पता तब चलता है जब हम इनको पढ़ते हैं डीपली कि कैसी बुक है कैसी नहीं है. और ये देखिए, ये मेडिवियल हिस्ट्री की जो बुक है, सतीश चंद्र की जो बुक है, ये मैं देख रही हूँ. और इसका भी कंटेंट अच्छा है. आई थिंक लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम है, क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट प्रिंटिंग बहुत अच्छा है और पेपर क्वालिटी भी अच्छी है. ये देखिए. और फ्रेंड्स, मेरा जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री है, इसलिए मैं हिस्ट्री पर अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ऑप्शनल को हमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है. जैसा कि मैंने देखा है कि ऑप्शनल हमें ज़्यादा मतलब प्रेफर करना चाहिए अपनी स्टडी में, तो अब मैं डेली हिस्ट्री को प्रेफर करती हूँ. डेली मुझे 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें चाहे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ूँ, बिपिन चंद्र पढ़ूँ, या फिर मेडिवियल पढ़ूं या फिर एंशियंट पढ़ूं, कुछ भी. NCERT मैं कंप्लीट कर चुकी हूं एक एक बार, और एक एक बार और करूंगी, उनका रिवीजन करूंगी, ये भी चलता है साथ साथ में. और ये देखिए, ये एंशियंट, सॉरी, ये मॉडर्न हिस्ट्री है बाय बिपिन चंद्र. इन सब बुक्स का रिव्यू मैं डिटेल में आप लोगों के साथ करूँगी. ये सिर्फ मैं आप लोगों को अभी अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी बुक्स को लेके, और इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी, क्योंकि
पता नहीं, एक मतलब बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो गई हूँ आप लोगों के साथ। डेली ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों से एक अलग ही कनेक्शन बन गया है। और ये देखिए 11:07 PM, ये मेरा नाइट जो शेड्यूल है वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैं ये बुक्स देख रही थी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियोस को देखने के लिए और इतने अच्छे अच्छे मोटिवेटिंग कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों के कमेंट्स से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ, मैं पीछे जा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी वीडियोस पे आए हुए कुछ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे बोलते हैं कि हम आपसे मोटिवेट होते हैं। तो यही है, ये जर्नी हमेशा ऐसी चलती रहे और आप मुझे और मैं आप सबको मोटिवेट करती रहूं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।